हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ करंट ऑनगोइंग आईपीओस के बारे में और अपकमिंग आईपीओस के बारे में भी, जैसे कि मोती सन्स ज्वेलर्स हो गया, आजाद इंजीनियरिंग हो गया, हैप्पी फॉर्जिंग हो गया, क्रेडो ब्रांड्स हो गया, आरबीजेड ज्वेलर्स हो गया, इन सभी आईपीओ के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। मेजॉरिटी में मैं बात करूंगा यहाँ पे मोती सन्स ज्वेलर्स, इसके निकल रहे ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट में चल रही एक र्यूमर कि ये कंपनी के प्रमोटर्स फ्रॉड हैं या बहुत सारे एलिगेशन हैं या मतलब बेकार है। ये आईपीओ में जिसने पैसा लगा दिया उसका पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, 200-300 गुना जो भी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल रहा है वो सब बेकार है। तो क्या ऐसा सच में है या नहीं है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और गाइस दिस इज वेरी सीरियस कि अगर जो आप इस वीडियो को स्किप कर रहे हो तो काफी गलत कर रहा हूं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम की एक सच्चाई भी इस वीडियो में आपके सामने निकलने वाली है, जिसके भरोसे आप में से मैक्सिमम लोग आईपीओ लगा देते हो। मैं जब थोड़ी सी लंबी वीडियोस बनाता हूं तो आप में से कई सारे लोग पसंद नहीं करते, देखते नहीं हो, एक बार देखते हो दोबारा शायद चैनल पे नहीं आते हो, क्योंकि मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि मैं डिटेल्स ज्यादा देता हूं। मैं कोशिश करता हूँ बिजनेस फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स समझ में आए, हर एक आईपीओ में पैसा क्यों डाल रहे हो आपको समझ में आए, बट नहीं, आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम एक 30 सेकंड की वीडियो में सुन के आईपीओ लगा देना चाहते हो, तो गाइस उसकी भी सच्चाई है इस वीडियो में। तो चलिए डिटेल्स को हम स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे हम मोती सन्स ज्वेलर्स के बारे में। तो यहाँ पे गाइस मोती सन्स ज्वेलर्स का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है करंट में वो आपके लिए जाना जरूरी है। करंट में जो जीएमपी है वो 120 रुपए तक निकलती दिख रही है, ठीक है, जिसके हिसाब से करीब 220% का प्रीमियम होता है। तो यहाँ पे गाइस इसका ये मतलब है कि जो आईपीओ है ये यहाँ से 200% तक का गेन दे सकता है, मतलब जो इसका प्राइस में रखा गया है, ठीक है। तो फिलहाल पास्ट अगर जो 2-3 सालों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि किसी आईपीओ के ग्रे मार्केट में इतनी अच्छी डिमांड नहीं निकली है, निकली है। ऐसा नहीं है कि किसी आईपीओ ग्रे मार्केट में डिमांड निकली है तो उससे फायदा नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पूरी तरीके से फेक होता है। लेकिन यहाँ पे गाइस उसको भी मैनिपुलेट किया जाता है, क्योंकि वो रेगुलेटर्स के द्वारा नहीं चला जाती है, वो है एक आम सी मार्केट, जैसे आप सब्जी मंडी जाते हो उसी तरीके से समझ लो, कोई भी रेगुलेटर्स वहां पे नहीं है। तो गाइस मोती सन्स ज्वेलर्स में भी सेम इस चीज को मैनिपुलेट किया गया है कि भाई 200 तक के प्रीमियम ले जाएं। आपको मैंने बताया था, यहाँ पे देख लो मोती सन्स ज्वेलर्स का ऑफिशियल DRHP और RHP का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है मैंने, ठीक है, 40 नंबर है पेज। मैं न्यूज चैनल पे इसका जो DRHP है और RHP है वो भी शेयर कर दूंगा, साथ में ही मैं उसका लिंक भी यहाँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे कैसे आप देख सकते हो सामने है आपके कि संजय चापड़ा और संदीप चापड़ा जिनके प्रमोटर हैं, इनके ऊपर IPL मैच फिक्सिंग के लिए, मतलब IPL का 6 सीजन था उसमें फिक्सिंग के लिए रेट भी पड़ी थी, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो सेम वही 333 नंबर पेज है, ये DRHP का है और ये RHP का है 40 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान देना, इसमें लिखा गया है कि भाई एक स्टॉक को मैनिपुलेट करने के चक्कर में इनको भी नोटिस भेजा गया था सेबी के द्वारा, फिर यहाँ पे आप देखोगे कि MCX के द्वारा भी इनको भेजा गया था नोटिस, मतलब कई सारे केस चले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो चीज लाइन से बता रहा हूँ कि इनके 4 शोरूम है, ठीक है, और 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये कंपनी ओन नहीं करती है, लीज करती है, इनमें से एक तो 11 महीने की ही सिर्फ लीज पे है, मतलब वो कब चली जाएगी पता नहीं है। उसके साथ ही आप देखोगे प्रमोटर के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट्स है, 11.6, 8.6, ठीक है। उसके साथ ही आप देखोगे कि प्रमोटर जो है वो सेबी द्वारा इन्वेस्टिगेटेड किया जा चुका है पहले ही नॉन जेन्युइन ट्रेड्स में। इसके साथ ही आप देखोगे जो इनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है वो बहुत ही हाई हैं, ठीक है, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसके साथ ही गाइस आप देखोगे कि ये वही चीज है जो मैंने स्टार्टिंग आपको दिखाया है। तो यहाँ पे गाइस देखो, प्रमोटर्स किसी भी कंपनी के लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी के, अगर जो मैं बोलूँ कि 4 पैर हैं जिससे कंपनी चलती है, ठीक है, एक बिल्डिंग की तरह मान लूँ, तो उसके सबसे मेजर जो फर्स्ट लेग होता है ना, जो सबसे स्ट्रांग लेग होता है वो होता है प्रमोटर। अगर जो प्रमोटर किसी कंपनी का खराब है या किसी भी ऐसी तरीके से फंसा हुआ है तो वो कंपनी कभी भी आगे जा सकती है, वो भी बैड थिंग्स में, मतलब गलत तरीके से डाउनफॉल में जा सकती है। यहाँ पे गाइस मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मोती सन्स ज्वेलर लिस्टिंग गेन नहीं देगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मोती सन्स कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूँ कि गाइस प्रमोटर्स अच्छे नहीं है। प्रमोटर मतलब फैमिली का एक मुखिया जो एक फैमिली को चलाता हो, अगर जो वो मेन पर्सन ही जो एक फैमिली को संभालता हो वही खराब हो तो फैमिली क्या कंडीशन होगी। सेम वैसे ही अगर जो मैं इनको पैसा दे दूँ मेरा, ठीक है, इनका आईपीओ का प्राइस 55 के आसपास है, 55 रुपये इनको दे दूँ पर शेयर के हिसाब से, मैंने 15,000 दे दिए, अभी लिस्टिंग गेन मुझे इस प्रेशर में आता हुआ भी दिख जाए
कि चलो भाई मिल जाएगा, दोगुना तीन गुना चार गुना हो जाएगा। उसके बाद जब ये लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लगता दिखेगा, तो उसका क्या मतलब, अगर जो मैंने नहीं सेल किया या मैं पहले दिन नहीं सेल कर पाया तो मैं सिर्फ लोअर सर्किट में फंस जाऊंगा। तो यहाँ पे गाइस जो मोती सन्स में कहानी है वो यही है कि यहाँ पे प्रमोटर्स अच्छे नहीं है। और एक चीज और बताता चलूँ मैं आपको, जो एलिगेशन ये सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, ये पास्ट में थे, मतलब करंट में कोई भी एलिगेशन नहीं है, ये सब पास्ट का है, तभी सेबी ने अप्रूवल दिया है। ठीक है, अगर जो अप्रूवल नहीं मिला होता तो फिर आईपीओ लेके नहीं आए होते। अभी करंट में कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन हम पास्ट में जो किया गया है वो फ्यूचर में दोबारा नहीं होगा, इस बात को नहीं कह सकते। कई सारी चीजें मैंने पढ़ी, जैसे सेटलमेंट हो गया, मान लो किसी ने इन्हीं कंपनी पे केस किया था, वो केस का सेटलमेंट हो गया, दोबारा वो पार्टी आई ही नहीं इनसे बात करने, किसी वजह से सेटलमेंट किया था। ठीक है, इसका मतलब वो पीछे पीछे सेटलमेंट हो गया, केस दबा दिया गया। तो ऐसी सारी चीजें मुझे देखने को मिली है मोतीसन ज्वेलर्स में, काफी देर से मैंने डीआरएचपी पढ़ी और ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट में रूमर फैलती दिख रही है वो बिल्कुल सच है, इस कंपनी के प्रमोटर ने पास्ट में काफी कुछ ऐसा किया है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ग्रे मार्केट प्रेम की बात करूं तो यहां पे गाइस देखो, ग्रे मार्केट प्रेम में पंप डंप होता है। मैं आपको बताऊं, ग्रे मार्केट प्रेम कोई ऑथराइज मार्केट नहीं है। मैं, आप और कोई और मिलके अगर जो हम डील कर लें कि भाई ए नाम का बंदा बी नाम सी नाम के बंदे को अपना बोल रहा है कि अलॉटमेंट मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा पे दे दूंगा, या अलॉटमेंट नहीं मिलेगा और तुम्हें 2 रुपए एक्स्ट्रा पे मैं देने को तैयार हूं, तो क्या रिस्क लोगे बी और सी से? तो यहां पे जो डील हो गई बीच की कि भाई एक लॉट का मैंने 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 10,000 20,000 एक्स्ट्रा दे दिया पर शेयर, वही प्राइस ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ठीक है, यहां पे फेक ग्रे मार्केट प्रीमियम भी निकाला जा सकता है, अगर जो कोई 10-20 लाख रुपए डाल के बोल दे कि हाँ चल भाई बाई करते हैं, महंगे रेट में बाई करते हैं। एक तो 151 करोड़ का छोटा सा साइज है, इसमें से सबको पता है शेयर जल्दी मिलने नहीं है। ठीक है, इसमें से कई सारे और भी लोग आने वाले हैं, तो यहां पे गाइस जब मिलने नहीं है तो थोड़े से पैसे में इसको पंप किया जा सकता है। सेम यही कहानी दूसरे आईपीओ से भी की जा सकती है, जैसे आजाद इंजीनियरिंग हो गया मान लो, हैप्पी फॉर्जिंग हो गया मान लो, क्रेडो ब्रांड्स हो गया, सबके साथ की जा सकती है। लेकिन जब कंपनी थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे आजाद का ले लो आप, हैप्पी फॉर्जिंग का ले लो, इनका साइज थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 740 करोड़ समथिंग इसका आजाद का है, तो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको मैनिपुलेट करना भी आसान नहीं होता है। और प्रमोटर के ऊपर जब कोई ऐसा एलिगेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता है, कंपनी अच्छा कर रही होती है, तो यहाँ पे हमें ऐसा देखने में लगता है कि भाई आगे अच्छा करेगा, नहीं करेगा तो फिलहाल लिस्टिंग है तो दे ही जाएगा। ठीक है, यहां पे सारे एलिगेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग सारे कुछ निल है, जीरो है, सारा कुछ पास्ट का है, जो भी है अभी तक वो सब जीरो है, मतलब मैंने आपको खुल के बता दिया सारा। तो अब इस आईपीओ में देखो, आप पैसा लगा रहे हो तो ये आपका अपना खुद का रिस्क है। ये न्यूज़ मेरे सामने आई, मैंने आपको बताया, मैंने आपको कंफर्म कर दिया, बस यहां तक ही मेरा काम था आपके लिए। अब यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा भाई डे टू या डे थ्री पे लगाया करो आईपीओ, लगाया करो, ये सारी चीजें डे वन पे क्लियर हो जाती हैं। इस आईपीओ को जो सारी चीजें हैं वो पहले क्यों आई लास्ट डे, क्योंकि डे वन तक ही चीजें क्लियर निकल के आती हैं, उसके पहले ऐसा कुछ अंदर से छिपा होता है तो नहीं। पिछले कई सालों से जितना मेरा एक्सपीरियंस आईपीओ का, कितने सारे रिव्यूज तो आपके सामने मैंने कर दिए, कितने मैंने पास्ट में खुद के लिए भी, इतना ज्यादा एलिगेशन वाली कंपनी मैंने कभी नहीं देखी, खासकर मेन लाइन में। ऐसे में कैटेगरी में तो कई बार हो जाता है बट मेन लाइन में नहीं देखा था। तो ये सारी चीजें डे वन पे क्लियर होती है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ। तो करण में गई, आप क्या करने वाले हो एमएस के बारे में बताना जरूर मेरे को कमेंट करके, आपने अप्लाई कर दिया था नहीं कर दिया था या फिर आप इग्नोर करने वाले। अब यहीं पे गई आजाद इंजीनियरिंग, हैप्पी फॉर्जिंग, क्रेडो ब्रांड्स, आरबीजेड ज्वेलर्स या दूसरे जितने भी नाम है जो आईपीओ आप फ्यूचर में लगाने वाले जो करंट में चल रहे हैं, इन सभी आईपीओ को ग्रे मार्केट प्रीमियम ना देखने के बजाय आपको देखना है कि एक्चुअल में कंपनी क्या कर सकती है। क्रेडो ब्रांड्स का डिटेल रिव्यू डाल दिया है, हैप्पी फॉर्जिंग का भी डाल रखा है, आजाद इंजीनियरिंग का भी डाल रखा है, हॉनेस्ट रिव्यू है, ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे मैंने आज तक रिव्यू कभी नहीं किया है। अगर जो मेरे 5 पार्ट होते हैं एनालिसिस के तो 6th है मेरा ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो इससे ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं आता है। ठीक है, यहां भी इस आजाद में कोई भी फेक डिमांड निकलती नहीं दिख रही है, हैप्पी फॉर्जी में कोई भी फेक डिमांड निकलती नहीं दिख रही है, कंपनी उस लायक है कि डिमांड निकले ग्रे मार्केट में। क्रेडो में भी सेम यही सिचुएशन है, आरबीजेड ज्वेलर में नहीं डिमांड निकल रही है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटा सा गेम प्लांट किया गया है, अब किसके द्वारा किया गया ये आप ही जान सकते हो। तो यहाँ पे गाइस कई सारे क्वेश्चन थे कि क्या सर आजाद में भी ऐसा हो सकता है, तो नहीं फिलहाल अभी किसी और कंपनी में ऐसा देखने को नहीं मिला है, कई सारी डीआरपी मैंने पढ़ ली है। तो यहाँ पे गाइस आप सभी को मैंने सारी जानकारी दे दी है, इन सबके ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी डाल दी है, जाके अभी भी देख लेना। अब आप क्या करने वाले हो बताना जरूर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आप अपने लिए एक सेफ डिसीजन लेने वाले हो। तो करते हैं वीडियो का एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे हेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।